वर्ष 2021 अब बीतने को है, हम अक्टूबर में प्रवेश कर चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीन माह हमारे पास बचे हुए हैं और तीन बड़ी परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं जो जाते जाते इस वर्ष में आपको मिलेगी। पहली परीक्षा आप ऊपर देख रहे हैं, यूपी टेट की परीक्षा है। दूसरी परीक्षा आपकी लेखपाल की परीक्षा है और तीसरी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा है, जो कि एक बड़ी परीक्षा है। इन तीन परीक्षाओं की तैयारी आप निश्चित रूप से कर रहे होंगे। इस तैयारी को आप टारगेट बतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हमारी टीम के साथ भी जारी रख सकते हैं। इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए संस्थान में महत्वपूर्ण बैच संचालित किए जा रहे हैं जिनमें आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। सबसे पहले मैं यूपी टेट बैच के बारे में आपको बताऊं। यूपी टेट 2021 के लिए संस्थान में संकल्प बैच चल रहा है। संकल्प बैच में आपकी प्रवेश प्रक्रिया को खोला गया है क्योंकि विगत दिनों में आप में से बहुत सारे सदस्यों ने यहां पर क्वेरी की है। संकल्प बैच जो हमारा यूपी टेट का है वो बहुत पुराना नहीं है, अब यूपी टेट की परीक्षा में बहुत कम समय बचा है तो बिल्कुल नवीन बैच है और आप यूपी टेट की तैयारी को हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन करके आप पूरा कर सकते हैं, जो आपकी नवंबर में परीक्षा होने वाली है। और ये वाली यूपी टेट की परीक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आप स्वयं जानते हैं। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए संकल्प बैच का निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको प्रवेश लेना हो तो भी उसे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं लेना हो तो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर बहुत सी जानकारियां वहां पर आपको दी जाती हैं। कैसे आप इसमें प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं मैं वो भी आपको बता दूं। यह हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आप प्रातःकाल से सायंकाल तक कॉल करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए अब लेखपाल की महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। लेखपाल अति महत्वपूर्ण परीक्षा है इस वर्ष के लिए। पीईटी के अंकों का इंतजार करते करते काफी दिन बीत गए हैं। कल देर शाम आप लोगों ने देखा कि एक रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई। रिवाइज्ड आंसर की जारी करने का मतलब है कि आयोग तय डेट पर जो उसने कैलेंडर में तारीख दी है उस पर परीक्षा कराने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि आप वास्तव में लेखपाल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से अनुशासित और अच्छा संस्थान आपके लिए नहीं है। आप संस्थान में प्रवेश लेके लेखपाल की परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। संस्थान के लेखपाल के बैच में प्रवेश की प्रक्रिया को 5 दिन के लिए खोला गया है। अगले 5 दिन में आप लेखपाल के बैच में प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ना तो आपके पढ़ने के लिए समय होगा और ना हम लोगों के पढ़ाने के लिए समय होगा, क्योंकि अगर नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाती है तो बहुत नजदीक नहीं जाना चाहिए। आप अपनी परीक्षा की तैयारियों को शुरू कर दीजिए। अगले 5 दिनों में आप लेखपाल बैच में प्रवेश लीजिए। प्रवेश प्रक्रिया आपकी क्वेरीज के आधार पर खोली गई है। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का जो बैच है वो हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन अब यह बैच जिन लोगों को चाहिए वो बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी आरओ एआरओ के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण बैच आपको एक साथ मिल जाएगा। लेखपाल, आरओ एआरओ और यूपी टेट तीनों ही बैच में प्रवेश के लिए यह हमारे नंबर है। इन नंबर्स पर आप प्रातःकाल से सायंकाल तक फोन करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित करा लीजिए। संकल्प बैच, टेट और लेखपाल बैच में प्रवेश प्रक्रिया अगले 5 दिन तक खुली है। सहायक समीक्षाधिकारी का बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। तीनों के ही जो टेलीग्राम चैनल है निःशुल्क, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम आप सभी को निःशुल्क प्रैक्टिस भेजते रहते हैं, आपके मतलब की जानकारियां भेजते रहते हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें। प्रवेश के लिए ये नंबर है। हमारे बैच की विशेषताएं, तीनों ही बैच में आप किसी भी बैच में प्रवेश लीजिए, हमारे बैच की विशेषताएं हैं। 6 घंटे लगभग की प्रतिदिन आपकी लाइव कक्षाएं, हैंड रिटन नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, लाइव डाउट सेशन है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, 75 से ज्यादा आपके प्रैक्टिस सेट हैं जब आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए, मैराथन रिवीजन कक्षाएं हैं और एक टेस्ट सीरीज। यह सभी एक ही बैच के पैकेज में है। चाहे आप यूपी टेट का लें तो यूपी टेट का अलग कराया जाएगा, अगर आप लेखपाल का लेते हैं तो लेखपाल का अलग कराया जाएगा, और अगर आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी आरओ आरओ का लेता है तो उसका अलग कराया जाएगा। अंतिम समय में अपनी तैयारी को मजबूती से अंतिम रूप दीजिए, एक ऐसा सेव दीजिए जहां पे आप सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित करके अपने सपने को पूर्ण कर सके। इन सभी बैचों में प्रवेश प्रक्रिया अगले 5 दिन तक खुली है। आज मेरी तरफ से इतना ही, जरूरी जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।